जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि हम एक कोड यहाँ पे टाइप करते हैं, डायल करते हैं और उसके बाद कुछ हिडन ऐप्स हमारे सामने नजर आ जाते हैं और हमने बहुत सारे ऐप्स को यहाँ पर हाइड करके रखा है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो किस तरीके से आप अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। इसके लिए आपको सेटिंग्स ओपन करना है अपने मोबाइल का कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है। ये मेरा वन प्लस का मोबाइल है तो आप में कुछ इंटरफेस अलग दिख सकता है, बट यहाँ पर आप भी अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करोगे तो सर्च वाला बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर में हाइड आप यहाँ पे सर्च कर लेना तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स का, जो कि एक प्राइवेसी के अंदर आ जाता है आपको। तो आपको हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया हाइड ऐप्स पे। उसके बाद दोबारा से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक सेटिंग अनेबल करना पड़ेगा आपको। तो सेटिंग को अनेबल करने का मतलब ये है कि आपको अपना जो फेस से अनलॉक करना है अपने मोबाइल को। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो तभी इस तरीके की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज सेकेंड टाइम में इतना सारा चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना सारा चीज़ करना पड़ा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स पर या क्लिक कर, या फिर आप वन बाय वन यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना हो उसे यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम को हाइड करना है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में एक बार आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेस कोड जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेस कोड यहाँ पे क्रिएट किया था 7H786H। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने यही कोड आपको टाइप किया था तो यही कोड आपको यहाँ भी टाइप करना है। उसके बाद इसे सेट कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे एक्सेस कोड यहाँ पे टाइप करोगे सेट करोगे उसे ही आप डायल कर अपने उस हिडन ऐप को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टाग्राम यहाँ से मेरा गायब हो चुका है। तो अब यहाँ पे डायल पैड में आएंगे और यहाँ पर हम लोग जो हमने जो एक्सेस कोड यहाँ पे टाइप किया था ना H786H, तो वही हम यहाँ पे टाइप करते हैं और डायल करेंगे। जैसे डायल करेंगे आपका हिडन ऐप्स जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो जितने भी ऐप्स आप हाइड करोगे वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और जो एक्सेस कोड आप यहाँ पे सेट करोगे उसी कोड के थ्रू ही आप उस ऐप्स को एक्सेस भी कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे कोड जो एक्सेस कोड जो यहाँ पे रखा था H786H, जैसे ही हम इसे डायल करते हैं तो हमारा हिडन ऐप्स जो भी होगा वो यहाँ पर दिख जाता है। उसके बाद आप उसे बेहद आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप अपने किसी भी ऐप्स को बेहद आसानी से यहाँ पर हाइड कर सकते हो। अब ये हर एंड्रॉयड मोबाइल में इनबिल्ट फीचर्स मिल गया है, अब आप इसका बेहद आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।